Hello, today our topic is routing algorithm. Sabse pehle, what is routing? Routing is the process of forwarding the packets from source to destination. Routing ek process hai jisme hum ye dekhte hain ki packet kaun se source se aaya aur kaun se destination. That is a way. Routing is a way of sending packet. Next is routing algorithm. What is routing algorithm? Routing algorithm ye batayegi raste to bahut sare ho sakte hain but usme se best kaun sa hai, matlab aisa kaun sa rasta hai jisse source se destination tak jo packet jayega wo bahut jaldi jaye, bahut frequently jaye. That is the best route of sent packet is determined by the routing algorithm. Routing algorithm hum isliye use karte hain taki hame best path mil jaye, best route mil jaye. Next is classification of routing algorithm, that is types of routing algorithm. There is two types, adaptive routing algorithm. Next is non-adaptive routing algorithm. First one, we discuss non-adaptive routing algorithm. That is also called static. Static means fixed routing algorithm. Next is adaptive routing algorithm. That is also called dynamic routing algorithm. Static means fixed. स्टैटिक रूटिंग एल्गोरिथम में ये देखते हैं कि हम क्या करेंगे, स्टैटिक टेबल बनाएंगे. स्टैटिक टेबल ये बताएगी कि कौन सी नोड ने पैकेट सेंड करना है जो कि पहले से ही फिक्स रहेगा. अडेप्टिव रूटिंग में क्या होगा, रूटिंग टेबल तो बनेगी बट नेटवर्क कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहले से फिक्स टेबल नहीं रहेगी. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि अब नेक्स्ट पाथ कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रूटिंग टेबल मेंटेन करेंगे. नॉन अडेप्टिव रूटिंग हमेशा स्टैटिक रूटिंग ही यूज़ करती है, दैट इज स्टैटिक टेबल ही यूज़ करती है, पहले से बनी हुई टेबल ही यूज़ करेगी. अडेप्टिव रूटिंग हमेशा डायनेमिक रूटिंग यूज़ करेगी, मतलब रन टाइम पर जिसे हम चेंजेस कर सकते हैं वो रूटिंग यूज़ करेगी. रूटिंग डिसीजन हमेशा स्टैटिक टेबल के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे, इसके अंदर नेटवर्क के ट्रैफिक को देखते हुए लिए जाएंगे. हो सकता है कि हमने सोचा हो कि हमें इस रास्ते पे जाना है बट वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. घर से निकलने से पहले हम सोचते हैं कि हमें इस रास्ते पे जाना है बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने के कारण हम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट ही डिसीजन लेते हैं कि नहीं हमें इस रास्ते से नहीं, नेक्स्ट कोई और रूट हम फॉलो करते हैं. तो ये क्या होता है, डायनेमिक रूटिंग. डायनेमिक रूटिंग मतलब ऑन द स्पॉट डिसीजन, रन टाइम चेंजेस. नॉन अडेप्टिव हमेशा क्या होती है, सिंपल रूटिंग होती है. सिंपल क्योंकि इसके अंदर पहले से ही फिक्स है, जो पाथ पहले से फिक्स कर दिया वही हम फॉलो करेंगे, उसके अलावा कोई पाथ फॉलो नहीं हो सकता. अडेप्टिव रूटिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, रन टाइम पे डिसीजन चेंज भी हो सकता है. नॉन अडेप्टिव के आपके टाइप हैं, फ्लडिंग है, शॉर्टेस्ट पाथ है, फ्लो बेस्ड है. अडेप्टिव के आपके हैं डिस्टेंस फैक्टर, दैट इज ऑल्सो नॉन एज DVR. लिंक स्टेट रूटिंग है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड LSR. इसके अलावा स्टैटिक और डायनेमिक रूटिंग के अलावा एक और रूटिंग होती है, हिरार्किकल रूटिंग. और भी बहुत सारी होती हैं, ब्रॉडकास्ट होती है, यूनिकास्ट होती है. हियर वी डिस्कस ओनली थ्री, हिरार्किकल रूटिंग एल्गोरिथम. नेक्स्ट, फर्स्ट वन वी डिस्कस द स्टैटिक रूटिंग. स्टैटिक रूटिंग इज ऑल्सो नोन एज नॉन अडेप्टिव. स्टैटिक रूटिंग में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, फ्लडिंग. फ्लडिंग क्या होता है, बाढ़, बहाव. फ्लडिंग क्या है स्टैटिक रूटिंग एल्गोरिथम में. इस रूटिंग में ये देखते हैं, मतलब क्या कंसेप्ट यूज होता है, जो भी पैकेट आएगा वो उससे कनेक्टेड हर एक आउटगोइंग लाइंस पे जाएगा ही जाएगा, बस उस पर नहीं जाएगा जहाँ से वो आया है. इन विच इट हैज़ अराइव, जहाँ से वो आया है वहाँ नहीं जाएगा बट उससे जो कनेक्टेड जितनी भी लाइन्स हैं वो सब पे जाएगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपना व्हाट्सएप, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं. व्हाट्सएप पे किसी पर्सन ने मैसेज सेंड किया, आप क्या करते हैं, उस पर्सन को छोड़ के बाकी सभी को वो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं. व्हाट्सएप मैसेज इज अ बेस्ट एग्जांपल. फ्लडिंग की आपके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं, सारे पॉसिबल रूट जितने भी उससे कनेक्टेड वे होंगे, सोर्स से डेस्टिनेशन, सारे यूज होंगे होंगे. पैकेट तभी जाएगा जब कोई पाथ एग्जिस्ट करेगा. सारे रूट ट्राई हो जाएंगे और जब सब रूट ट्राई हो जाएंगे उसमें से एक रूट ऐसा होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा. शॉर्टेस्ट होगा दैट इज़ वो क्या होगा, बेस्ट होगा. सारी नोड जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, जो भी कनेक्टिंग होंगी वो आपकी विजिट होंगी ही होंगी. लिमिटेशन क्या है, अगर एक से मैसेज गया,
एक से मैसेज गया है, पैकेट गया है, वो क्या होगा, हो सकता है वही सेम पैकेट दूसरे से भी आ रहा हो, तो डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मेन इसकी फ्लडिंग की डिसएडवांटेज यही है। एडवांटेज क्या होगी, रोबस्ट है, एमरजेंसी केस में फटाफट मैसेज सेंड हो जाते हैं, इमीडिएट मैसेज सेंड होते हैं। मेनली कहाँ यूज़ होता है, मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज़ होता है। वर्चुअल सर्किट में रूट सेट होता है, फ्लडिंग ऑलवेज चूज द हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही, जहाँ उसे रास्ता मिलेगा वहीं पे ही जाएगा, जो सबसे पहले रास्ता आएगा वहीं वहीं जाएगा। ब्रॉडकास्ट मैसेज टू ऑल द नोड, सारी की सारी नोड पे मैसेज क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ ये भी आपका नॉन एडेप्टिव का ही पार्ट था। डिजकस्ट्रास रूटिंग, इसमें क्या होगा कि हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं सोर्स से लेकर सोर्स से डेस्टिनेशन। एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें कहाँ जाना है, ए से डी तक जाना है। ए से डी तक जाने के लिए सबसे छोटा पाथ देखना है, ए ये है और डी ये है। ए से डी तक बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, और उनमें से हमें क्या करना है, सबसे शॉर्टेस्ट वन। और वो कौन सी एल्गोरिथम बताती है, डिजकस्ट्रास। और भी होती हैं, फर्स्ट पहले हम क्या देखेंगे कि हमें चलना कहाँ से, ए पे चलना है, जहाँ से चलना है उस वाली नोड को हमने क्या बना दिया, परमानेंट बनाया, और उसे हमने डार्क कर दिया, सर्कल से डार्क कर दिया। अब हम देखेंगे ए से कहाँ कहाँ हम जा पा रहे हैं, ए से हम जा पा रहे हैं बी पे, और ए से हम जा पा रहे हैं जी पे। ए से बी पर जाने के लिए जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना लग रहा है, 2। ए से जी तक जाने के लिए हमारा डिस्टेंस कितना लग रहा है, 6। ए से और कोई वही वे तो नहीं है, और कोई भी कनेक्टेड नोड नहीं है जहाँ हम जा पा रहे हैं, ए से सिर्फ बी पे जा पा रहे हैं और जी पे जा पा रहे हैं। ए से बी पे जाने के लिए डिस्टेंस हमारा कितना है, 2। ए से जी तक जाने के लिए डिस्टेंस हमारा कितना है, 6। इन दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली ए टू बी, 2 शॉर्टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, ए से बी मूव कर जाएंगे, ए से बी मूव हो गए। अब ए से बी मूव हो गए, हम कितने डिस्टेंस से मूव हुए हैं, 2। और कहाँ से आए हैं हम, ए से आए हैं और 2 डिस्टेंस से आए हैं, और बाकी और किसी नोड पे तो नहीं आए हैं। अब ए से और कहीं हम जा नहीं सकते, जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ वहाँ डिस्टेंस लिखो, और जिस नोट से आए हो वो लिखो। बाकी सारी की सारी नोट्स पे क्या लिख दिया हमने, इन्फिनिटी, मतलब डिस्टेंस अभी हमें नहीं पता क्योंकि हम कनेक्टेड ही नहीं है उस नोट से, और कहाँ से आए ये भी नहीं पता, और उसके लिए हम क्या लगा देंगे, हाइफन। अब देखो, अब हम ए से बी पे जा सकते हैं और ए से जी पे। अब हम ए से कहाँ गए हैं, बी पे गए हैं ना। अब ए से बी पे गए हैं, डिस्टेंस हमने 2 कवर किया है, आए हैं हम ए से। अब बी से देखो, बी से और कौन कौन सी नोड कनेक्टेड है, अब हमारी वर्किंग नोड क्या बन गई, बी। अब हमने उसको डार्क कर दिया, वर्किंग नोड बी बन गई, बी को हमने डार्क कर दिया। अब बी से हम कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं, बी से हम सी पे जा पा रहे हैं और बी से हम ई पे जा पा रहे हैं, बी से हम ई पे भी जा पा रहे हैं और बी से हम सी पे भी जा पा रहे हैं। अब बी से ई पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस था, देखो ऊपर, बी से ई पे जाने के लिए डिस्टेंस हमारा कितना था, 2। बी से ई पे जाने के लिए, पर बी पे आने के लिए भी तो हमने कुछ डिस्टेंस लिया, क्या था वो, 2। दैट मीन्स ए से बी पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना था, 2, और बी से ई पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना था, 2। तो 2+2 कितना हो गया, 4। हम ई पे तो जा रहे हैं, बट हमने कहाँ से आना था, ए से ही आना था। ऐसे ही ई से और कहाँ जा पा रहे हैं, बी से और कहाँ जा पा रहे हैं, सी पे। बी से सी पे जाने के लिए हमारे पास डिस्टेंस क्या था, 7। बी तक आने के लिए हमारे पास डिस्टेंस क्या था, 2। तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, 2+7 दैट इज 9। अब इसमें से देखो, जो ऊपर हमने पाथ निकाले थे, जो ऊपर हमने पाथ फाइंड आउट किए थे ए से बी पे जाने के लिए और ए से जी, इसमें से हमने यूज सिर्फ किसको किया, ए से बी को। ए से जी वाला एज इट इज हमने लिख दिया नेक्स्ट में। अब इन तीनों में से सबसे छोटा पाथ कौन सा है, ए से बी पे जाने जाके और ए से ई पे। ए से हम ई पे पहुंच रहे हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है हमारा, 4। तो दैट मीन्स हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, ई पे। अब ई पे मूव कर लिया, डिस्टेंस हमारा कितना लगा, 4। और ये जो बचे हुए पाथ हैं ए से जी और ए बी सी, ये हम आगे नेक्स्ट में यूज करेंगे। अभी हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, ई पे। अब ई पे मूव कर गए, अब ए से बी पे मूव करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस क्या था, 2। आए कहाँ से थे, ई पे। ऐसे ही ई पे आने के लिए डिस्टेंस हमने अभी फाइंड आउट किया लास्ट स्लाइड में, क्या किया, 4। कहाँ से आए हम, बी से। ऐसे ही ए से जी पे आने के लिए भी, बट जी पे तो हम मूव करें ही नहीं ना, तो इसलिए हमने क्या किया, जी को डार्क नहीं किया। तो जी पे आने के लिए डिस्टेंस कितना है, 6 है, और आए कहाँ से, ए पे। अब इधर देखूँ नेक्स्ट, अब हम कहाँ मूव कर गए, ई पे।
अब हमें क्या देखना है, ई से हम नेक्स्ट देखो हम कहाँ आ गए, ई पे। अब ई पे आ गए, ई से अब हम कहाँ फर्दर मूव कर पा रहे हैं, एफ पे, और तो कहीं नहीं जा पा रहे। और ई से जी पे भी जा रहे हैं, जी पे तो हम पहले ही आ रहे थे, जी पे हम ए से भी आ पा रहे थे। अब इधर देखो, जो पहले हमने लास्ट स्लाइड में जो हमने यूज़ किया था, लास्ट स्लाइड में हमने क्या यूज़ किया था, ए से जी, वो यूज़ नहीं किया, वो एज इट इज़ लिख दिया, ए बी सी वो एज इट इज़ लिख दिया, जहाँ जहाँ हम मूव नहीं की। अब हम बी से ई पे तो आ चुके थे, अब ई से आगे कहाँ हम मूव कर रहे हैं, एफ पे। ई से एफ पे आने के लिए देखो, हमारे पास ई से एफ पे आने के लिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस 2, बट ई पे आने के लिए हमने कितना यूज़ किया, 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया, यही हमने लिखा, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6। ऐसे ही हम ई से और कहाँ जा पा रहे हैं, जी पे भी जा पा रहे हैं। अब जी तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले ए से बी आना पड़ रहा है, बी से ई आना पड़ रहा है, और ई से जी आना पड़ रहा है। ऐसे ही ए से बी आने के लिए डिस्टेंस 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। वैसे भी हम ए से डायरेक्टली भी जी पे जा रहे थे, बट डिस्टेंस कितना लग रहा था, 6। तो ये क्या है आपका, हाईएस्ट। बट हम जी पे अगर ए बी ई के थ्रू जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट है। अदरवाइज ए से डायरेक्टली जा रहे हैं तो हम क्या, हाईएस्ट डिस्टेंस। तो इसीलिए इन सब में से अब देखूं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ए टू बी, बी टू ई एंड ई टू जी। तो हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, ए बी ई एंड जी, तो हम कहाँ मूव कर गए, जी पे। नेक्स्ट देखूं, अब जी पे मूव कर गए, बाकी सारे डिस्टेंस हमने यूज़ नहीं किए, वो अगर फर्दर हमें नीड पड़ेगी तो हम वापस देखेंगे। अब देखूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कहाँ पे मूव कर गए, जी पे मूव हुआ था ना हम। अब जी पे मूव हुए, अब जी पे जैसे ही मूव हुए हम कहाँ हुए, ए से बी आए, बी से ई आए, ई से जी आए। अब देखो जी से हम कहाँ जा पा रहे हैं, एच पे। जी से हम कहाँ जा पा रहे हैं, सिर्फ एच पे, और हम कहीं नहीं जा पा रहे जी से, सिर्फ एच पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए से बी, बी से ई, ई से जी और जी से एच। तो टोटल डिस्टेंस हमारा एच तक जाने के लिए कितना लग रहा है, 2 + 2 + 1 + 4 दैट इज 9। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना लग रहा है, 9। एच पे जाने के लिए क्या, एच पे आने के लिए और डिफरेंट पाथ है, और कोई अनदर पाथ है एच पे आने के लिए। अब देखो हमने जो लास्ट वाले पाथ थे जो हमने कवर किए थे, ए से हम जी पे जाने के लिए कितना कवर कर रहे हैं, 6। ए बी सी जो हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखे थे वो हमने एज इट इज यहाँ पे सारे लिख दिए, ए 2 + 7 = 9। ऐसे ही ए से बी जा रहे हैं, बी से ई और ई से एफ भी जा रहे थे, जो हमने पिछली स्लाइड में यूज़ नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि हम जी पे जाने के लिए छोटा डिस्टेंस यूज़ कर रहे थे। तो एफ पे आने के लिए हमारे पास क्या है, 6। अब इन सब में देखो, इन सब में हमारे पास छोटा कौन सा है, 6 एफ पे जाने के लिए या हम जी पे जाने के लिए। जी पे हमने देखा, जी पे जाने के लिए पहले भी हमें छोटा मिल चुका था, तो हम जी वाला ये वाला तो छोड़ ही देंगे, ये वाला तो यूज़ नहीं करेंगे। हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, एफ पे। हम क्या करेंगे, जी से वापस से बैक ट्रैक करेंगे ई पे, ई से हम कहाँ जाएंगे, एफ पे। ई से एफ पे गए तो हमारे पास डिस्टेंस कितना लग रहा है, 6। तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे, एफ पे। अब हम कहाँ मूव कर गए, एफ पे। अब एफ से हमारे पास कौन कौन सी नोड कनेक्टेड है, एफ से हम एच पे जा सकते हैं और एफ से हम सी पे जा सकते हैं। एफ से एच पे जाने के लिए देखो, एफ से सी पे जा सकते हैं, एफ से सी पे जा सकते हैं। टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिख दिया, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो रहा है, 9। और ए बी सी हमने यूज़ नहीं किया, वो भी एज इट इज़ लिख दिया। और देखो ई से हम कहाँ, जी, जी से भी एच जा रहे थे, क्योंकि हमें अब एच का देखना है, एच पे हम जी से भी जा पा रहे हैं, और हम एफ, क्या हम एफ से एच पे जा पा रहे हैं, एफ से भी हम एच पे जा पा रहे हैं। एफ से एच पे जा रहे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस क्या लग रहा है, 8। इन सब में से शॉर्टेस्ट कौन सा है हमारे पास, 8। हमने जाना कहाँ था, हमारा जो डेस्टिनेशन था वो क्या है, डेस्टिनेशन था हमारा डी है। अब देखो डी पे जाने के लिए हम एच से भी जा पा रहे हैं और डी पे जाने के लिए हम सी पे भी जा पा रहे हैं। हम सी से नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एच पे हम क्या हो रहे हैं, छोटे डिस्टेंस में पहुंच रहे हैं। एच पे हमें जाने के लिए हमारे पास कितना लग रहा है, 8, और सी तक जाने के लिए हमारे पास कितना लग रहा है, 9। अब देखो सी से अगर हम डी पे जाते हैं तो 9 + 3 कितना हो गया, 12। अगर हम एच से जाते हैं तो 8 + 2 कितना हो गया, 10। दैट मीन्स हमें कहाँ से जाना पड़ेगा, एच से। तो हमारा जो पाथ है वो क्या था, सोर्स हमारा ए था, डेस्टिनेशन हमारा डी था। तो हमें
किस किस नोड के थ्रू